गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के विषय में पढ़ेंगे। इसकी पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से किया जाएगा। पहला है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन। अगर इसमें से कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद विल बी लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी ज़रूरत होगी तो। और ऑब्जेक्ट अगर आई बी में से कोई होगा तो उसके बाद सेल भी लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी ज़रूरत होगी तो। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है उसको सजा दी जाएगी। इस वाक्य के अंत में ई जाएगी आया हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसको का होगा ही, और ही के बाद विल भी लगेगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सजा देना का पनिश होता है, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगी, तो ही विल बी पनिश्ड। ही के साथ विल बी लगेगा। इसको हम लोग जो है स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, यू दे तथा प्लूरल नाउन, इन सब के साथ जो है विल बी लगता है। दूसरा, मोहन को इनाम दिया जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन को का हो जाएगा मोहन, इसके बाद विल भी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनाम देना का रिवार्ड होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म रिवार्डेड हो जाएगी, तो मोहन विल भी रिवार्डेड। तीसरा है, पत्र भेजे जाएंगे। तो इस वाक्य के अंत में ए जाएंगे आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पत्र बहुत से हैं, इसलिए इसका होगा लेटर्स, इसके बाद विल भी लगेगा, और भेजना को होता है सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट, तो लेटर्स विल बी सेंट। चौथा है, पुस्तकें छापी जाएंगी। इस वाक्य के अंत में ई जाएंगी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बहुत सी पुस्तकें हैं तो बुक्स हो जाएगा, इसके बाद बिल भी लगेगा, और छापना का हो जाएगा प्रिंट, प्रिंट की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड हो जाएगी, तो बुक्स विल बी प्रिंटेड। पांचवा होगा, पेड़ों को पानी दिया जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। पेड़ों को का हो जाएगा प्लांट्स, तो इसके बाद बिल भी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पानी देना का होता है वाटर, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगी, तो प्लांट्स विल बी वाटर्ड। छठा है, यह घर नीलामी में बेचा जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह घर का हो जाएगा दिस हाउस, इसके बाद बिल भी लगेगा, बेचना का होता है सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगी, फिर नीलामी का होता है ऑक्शन, तो यह हो जाएगा दिस हाउस विल बी सोल्ड बाई ऑक्शन। सातवां है, यह जल्दी किया जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह कहोगा दिस, इसके बाद विल भी लगेगा, फिर करना को होता है
डू, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डू डिड डन, और इसका हो जाएगा दिस विल बी डन, और जल्दी का होता है वेरी सून। आठवां है इस सड़क की जल्द ही मरम्मत की जाएगी, इस वाक्य के अंत में ई जाएगी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस सड़क का हो जाएगा दिस रोड, इसके बाद विल बी आएगा, मरम्मत करना का रिपेयर होता है, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो जाएगा, और जल्द ही का हो जाएगा वेरी सून। तो दिस रोड विल बी रिपेयर्ड वेरी सून। नौवां है उसे जानकारी दी जाएगी, इस वाक्य के अंत में ई जाएगी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसे का होगा ही, इसके बाद विल भी लगेगा, और जानकारी देना का इन्फॉर्म करना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी इन्फॉर्म्ड, तो ही विल बी इन्फॉर्म्ड। दसवां है कुछ आम खरीदे जाएंगे, इस वाक्य के अंत में ए जाएंगे आया हुआ है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कुछ आम का होगा सम मैंगोज, इसके बाद विल भी लगेगा, फिर खरीदना का होता है बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी, तो सम मैंगोज विल बी बॉट। नेक्स्ट है मुझे आमंत्रित किया जाएगा, इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। मुझे का होता है आई, आई के बाद सेल भी लगता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आमंत्रित करना का इनवाइट होगा, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगी, तो आई सेल बी इनवाइटेड। बारहवां है भिखारियों को खिलाया जाएगा, इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। भिखारियों को का भिखारी बहुत से हैं, तो बेगर्स, फिर बिल भी आएगा, खिलाना का फीड होता है, फीड का थर्ड फॉर्म फेड हो जाएगी, तो बेगर्स बिल भी फेड। तेरहवां है इस कार को बेचा जाएगा, इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस कार का हो जाएगा दिस कार, इसके बाद बिल भी आएगा, बेचना का सेल होता है, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगी, तो दिस कार विल बी सोल्ड। चौदहवां है पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य के अंत में ए जाएंगे आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पत्र, बहुत से पत्र हैं, तो इसका हो जाएगा लेटर्स, इसके बाद बिल भी लगेगा, और लिखना का होता है राइट, राइट का जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, तो लेटर्स विल बी रिटन हो जाएगा। पंद्रहवां उसे जाने के लिए कहा जाएगा, इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसे कहा जाएगा ही के बाद विल भी लगेगा, और कहना का यहाँ आस्क होता है, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगी, और जाने के लिए कहा जाएगा टू गो। तो बच्चों आज यहीं तक, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।